IAS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन जिससे आपको वीडियो रेगुलर मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, आज आपसे बात करेंगे एक बड़े विवाद की, यानी कि RBI वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि वित्त मंत्रालय बनाम RBI की, जेटली बनाम पटेल की बात करेंगे। आज क्यों है विवाद, क्या है विवाद, PPT के द्वारा समझते हैं इस चीज को। यहाँ पर व्हाट आर द डिस्प्यूट्स, क्या क्या विवाद है इनके बीच, किन मुद्दों पर विवाद है, विवाद का कारण क्या है, आखिर क्यों सरकार तनातनी कर रही है RBI के साथ, जो स्टेटमेंट आ रहे हैं RBI कुछ कह रहा है, सरकार कुछ कह रही है, तू में तो चल रही है, इसके बारे में बात करेंगे आपके साथ। अगला पक्ष होगा UPSC के प्रश्न, क्या प्रश्न बन सकते हैं इस पर, और एक लास्ट चर्चा करेंगे समाधान, यदि कोई है भी तो, हालांकि समाधान की बात नहीं करिएगा लेकिन समाधान कुछ है तो हम चर्चा जरूर करेंगे आपके साथ। पहला मुद्दा है कि आखिर विवाद है क्या, ये टग ऑफ वॉर है क्या, क्या है कारण, क्या है विवाद, क्यों RBI लगातार स्टेटमेंट दे रहा है इस बात को लेकर। तो कई सारे मुद्दे आप देखेंगे स्क्रीन पर हम लोग यहाँ पर। जैसे पहला मुद्दा है NPA का, NPA बड़ा कारण है यहाँ पर एक। पिछले कुछ समय से NPA का स्तर बढ़ता जा रहा है और सरकार का आलोचना जो हो रही है, सरकार पूरा बोझ डालना चाहती है RBI के ऊपर कि RBI जिम्मेदार है, RBI कुछ नहीं कर रही है। कल जेटली साहब का स्टेटमेंट आया कि RBI ने 2008 से लेकर 14 के बीच में कुछ नहीं किया, इसलिए बड़ा संकट बन गया NPA का। नीरव मोदी देश से पैसे लेके बाहर चले गए हैं, RBI, पंजाब नेशनल बैंक और सरकार जिम्मेदार इसके पीछे, कितनी इनके बीच तनातनी बन गई है RBI और सरकार के बीच। तो एक NPA बड़ा मुद्दा है। दूसरा बड़ा मुद्दा हम देख रहे हैं यहाँ पर PCA को लेकर, PCA प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, यानी RBI का वो प्रयास जिसके द्वारा RBI कंट्रोल कर सकता है, RBI कंट्रोल करना चाहता है, सरकारी बैंकों को कंट्रोल करना चाहता है, ऐसे बैंकों को जो NPA बढ़ा रहे हैं। लेकिन सरकार का मानना है सरकारी बैंक हैं, मत परेशान कीजिए हमारे बैंकों को, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी कि जो आपका प्रयास है RBI का उसमें कुछ छूट दीजिए, अदरवाइज मुश्किल होगा आपके लिए RBI के साथ चल पाना सरकार का। सरकार ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पर RBI ज़्यादा सख्त ना हो, नरम रवैया अपनाए हमारे बैंकों के लिए, सरकारी बैंकों के लिए। तीसरा बड़े विवाद का जो कारण बन रहा है पिछले कुछ दिनों से वो है IL&FC और NBFC विवाद। IL&FC NBFC विवाद, जैसा कि परिचय विवाद से पिछली वीडियो में चर्चा कर भी चुके हैं, ये विवाद कहीं ना कहीं रेगुलेटर का विवाद था बड़े स्तर पर, सरकार की अनदेखी रही, रेगुलेटर की अनदेखी रही और एक आज एक बड़ी कंपनी डूबने कगार पे आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं RBI सरकार चाहती है कि NBFC की तरलता बनी रहे, मार्केट में फाइनेंस बना रहे, लेकिन RBI नियम कड़े करना चाहता है, नियमों को बढ़ाना चाहता है, इस कारण तनातनी बन गई है सरकार से इस मुद्दे पर भी उसकी। आगे जाने हम लोग मुद्दों पर चलते हैं आगे। अगला मुद्दा है ब्याज दर का, ब्याज दर का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जो लगातार सरकार कहती है कि ब्याज दरों कम रखा जाए जिससे ग्रोथ को बढ़ावा मिले, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़े, लेकिन RBI कहता है जी नहीं, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना प्राथमिकता है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना जरूरी भी है, और इसलिए सरकार के सामने तनातनी बनी रहती है। और ये पहली बार नहीं है, चिदंबरम वर्सेस सुब्बाराव देखें आप, रघुराम राव वर्सेस जेटली साहब को देखें आप, या वर्तमान में जेटली बनाम पटेल की लड़ाई देखें, कारण वही है ब्याज दरें कितनी हो, कम या ज़्यादा, इसको लेकर विवाद है RBI और सरकार के बीच। इसके अलावा विवाद का कारण आज से कुछ साल पहले चले आपको लेकर MPC, याद होगा आपको आज 2014-15 तक देश में मौद्रिक नीति बनाने का एकमात्र काम RBI के पास होता था, लेकिन सरकार ने RBI से अधिकार वापस लेते हुए दे दिया एक समिति को जिसमें 3 RBI के लोग होते हैं और 3 को जब तक सरकार के द्वारा नॉमिनेट लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा विवाद है RBI की स्वायत्तता पर ही हमला लगता है RBI को कि पहले RBI तय करता था, अभी ब्याज दर तय करती है भारत सरकार के साथ मिलकर RBI, तो स्वायत्तता पर हमला हुआ एक प्रकार से ये। इसके अलावा एक बड़ा विवाद है यहाँ पर जो पिछले कुछ दिनों से उभर रहा है, पेमेंट रेगुलेटर, भुगतान का नियामक कौन होगा। बहुत सारी भुगतान कंपनियाँ देश में पैदा हो गई हैं जो पेमेंट करती हैं, पेमेंट बैंक आ गए हैं, बहुत सारी संस्थाएं आ गई हैं, इनका रेगुलेटर कौन होगा। NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको कौन नियमित करेगा, इसको कौन देख रेख करेगा। सरकार चाहती है एक सेपरेट रेगुलेटर हो देश में डिजिटल मार्केटिंग को, पेटीएम फ्रीचार्ज सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए, RBI चाहता है ये हमारे नियंत्रण में रहे। तो खुलकर सामने आ गया है RBI और सरकार का विवाद पेमेंट रेगुलेटर को लेकर। अगला विवाद जो हमारे सामने है 12 फरवरी का सर्कुलर, बहुत बड़ा डिस्प्यूट भारत सरकार और RBI के बीच। 12 फरवरी 2018 को RBI ने एक सर्कुलर जारी किया था NPA को लेकर, NPA क्राइसिस की समस्या को समाधान के लिए, कि बैंकों को एक निश्चित समय सीमा के अंदर 180 डेज, नोट करें 180 डेज के अंदर यहाँ पर बैंकों को समाधान निकालना होगा, और कहीं ना कहीं 180 डेज में समाधान नहीं निकलता है तो मामला डिफॉल्ट चला जाएगा, NCLT के पास चले जाएगा, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास। लेकिन सरकार का मानना है कि कंपनियों को समय देना चाहिए, 180 दिन से ज़्यादा का समय देना चाहिए, जिसे लेकर भारत सरकार और RBI के बीच तनातनी है 12 फरवरी के सर्कुलर को लेकर। इसके अलावा विवादों के कारण में नीरव मोदी स्कैम में चर्चा किया अभी इनिशियली, लेके भग गए हैं नीरव मोदी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुश्किल है सरकार के सामने और RBI के सामने। विवाद का एक बड़ा कारण है हमारे यहाँ पर बोर्ड मेंबर पर अपॉइंटमेंट,
इसका मतलब क्या है? अभी हाल ही में सरकार ने आरबीआई के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, बोर्ड में कई ऐसे लोग शामिल किए हैं जिनको लेकर आरबीआई का एक अलग रवैया रहा है। आरबीआई का मानना है कि सरकार का हस्तक्षेप है, आरबीआई की स्वायत्तता के अंदर कुछ ऐसे लोग अपॉइंट किए गए हैं जो लगातार कई सालों से आरबीआई की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, चाहे गुरुमूर्ति साहब की बात करें या कई राइट विंग के स्कॉलर्स की बात करें जिनको शामिल किया गया आरबीआई के अंदर। और सरकार का मानना है, या आरबीआई का मानना है कि उसकी स्वायत्तता में हस्तक्षेप किया जा रहा है। इसके अलावा नचिकेत मोर को हटाया जाना, नचिकेत मोर जो काफ़ी लंबे समय डिप्टी गवर्नर थे आरबीआई के, उनको हटा दिया गया। उनका नोटिस, उनका कार्यकाल 2021 का कार्यकाल था उनका, लेकिन 18 के सितंबर में उनको हटा दिया गया, यानी उनके कार्यकाल से हटाया जाना उनको। आरबीआई का मानना है कि पहली बार हुआ है कि किसी गवर्नर को या किसी डिप्टी गवर्नर को उसके कार्यकाल समाप्त होने से हटा दिया गया। वहाँ रिपीट नहीं कर सकते थे कार्यकाल वो, लेकिन या सरकार चाहे तो रिपीट ना करने दे, लेकिन ये बात अलग है कि अपॉइंटमेंट करने का हटाया जाना किसी को। कार्यकाल उनका 2013 से 17 का कार्यकाल था नचिकेत मोर का, पहले उन्होंने पूरा किया और फिर अगला कार्यकाल उनका लॉन्च चालू हो चुका था, लेकिन सरकार ने उनको 2018 में आकर उनको हटा दिया है इस कार्य से। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी आरबीआई को लगता है कि डायरेक्टर हटाया जाना, गवर्नर को हटाया जाना, आरबीआई की स्वायत्तता एक प्रकार का हमला है। नचिकेत मोर वो नाम है जो पिछले कई सालों से लगातार सरकार की आलोचना करते रहे हैं, सरकारी नीतियों की आलोचना करते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको हटाया जाना। और ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो आरबीआई की स्वायत्तता पर सवाल उठाते दिख रहे हैं, आरबीआई और सरकार के बीच संघर्ष को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। तो ये वो पहला पार्ट आपके साथ कि आखिर मुद्दा क्या है, क्या कारण क्या है। दूसरा एस्पेक्ट आपके साथ, क्यों आखिर विवाद का कारण, किसके पीछे बेसिक क्या छुपा है। सारे रीजन सामने आ गए हैं क्या क्या विवाद हैं, लेकिन विवाद क्यों हैं उसे चलना पड़ेगा आपको। यहाँ पर विवाद के कारणों की चर्चा करूँ, आप देख रहे हैं वीडियो मेरे पास, दो तीन पॉइंट आपको दिखेंगे यहाँ पर। पहला पॉइंट, टेंशन बिटवीन इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड नॉन इलेक्टेड सेंट्रल बैंक इज नॉट न्यू। पहली बार नहीं हो रहा है, पहले स्थान पर नहीं हो रहा है। दुनिया भर में हर जगह केंद्र सरकार अपने सेंट्रल बैंक से लड़ती है, ट्रंप वर्सेज फेडरल बैंक हो, तुर्की का बैंक हो, या फिर इंडिया की बात करें, दुनिया के विकासशील देशों में, विकसित राष्ट्रों में हर जगह समस्या होती है कि चुनी हुई सरकार और नियामक के बीच एक तकरार होता है, लेकिन ये तकरार आमतौर पर बंद दरवाजों के बीच सुलझा लिया जाता है। अगर एक मंच पर आएगा, सार्वजनिक मंच पर आएगा, तो ऑफकोर्स नियामक की क्रेडिबिलिटी पर और सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पहला टॉपिक है यहाँ पर कि नया बात नहीं है, हम देख चुके हैं पहले भी वित्त मंत्री रहे हैं देश में, आरबीआई गवर्नर रहे हैं, उनके बीच तनातनी रही है। दूसरा पॉइंट, इलेक्शन ईयर, आप समझ सकते हैं चुनावी साल है, सरकार को खर्च करने के लिए अधिक पैसा चाहिए, सरकार को अधिक खर्च करना है, वो चाहती है इंडस्ट्री को पैसा मिले, सस्ती ब्याज दरें हो, कम ब्याज दरें हो, और सरकार ज़्यादा पैसा खर्च कर पाए मार्केट के अंदर और निवेश योजनाओं पर। आरबीआई का मानना, जनाब आप खर्च करेंगे महंगाई बढ़ेगी, और चुनावी साल होने के नाते तो बिस्पीड बढ़ना ही है, इसमें कमी नहीं आने वाली है। आरबीआई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना के चलता है, सरकार शॉर्ट टर्म देखती है, 2019 का चुनाव आने वाला है, सरकार शॉर्ट टर्म देख रही है एक साल, आरबीआई लॉन्ग टर्म देख रहा है, यानी बड़ी समस्या यहाँ पर इसको लेकर भी है। तीसरा जो एक बड़ा इशू दिख रहा है आपको, 4C के बाद तो देश में आपने देखा जो हाल हुआ है पिछले कुछ दिनों में, सीबीआई का, सीवीसी का, कैक का और कोर्ट का, जो 4C बोलते हैं हम लोग, देश के नियामक तो नहीं कहूंगा, ये देश के नियंत्रक हैं, देश के निरीक्षक हैं। इन 4C की बात करें, जो इन 4C की स्वायत्तता पर हमला हुआ है, चाहे जजों को भारत के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी हो, सीबीआई के अधिकारियों पर FIR दर्ज हो रही हो, या कैक को लेकर, या कहना चाहिए मुझे सीवीसी को लेकर, जो 4C के बाद अब नंबर है रेगुलेटर्स का, सेबी का, आरबीआई का, PFRDA का, IRDA का, इन नियामकों की बारी आ सकती है। तो कहीं ना कहीं लोगों का मानना है, विपक्ष का मानना है कि सरकार पहले निपट रही है निरीक्षक से, अपने नियामक से, तो एक बड़ा कारण मान रहे हैं, डिस्प्यूट का बड़ा कारण है नियामक के स्वायत्तता में हस्तक्षेप। तीसरा एस्पेक्ट में आता हूं आपके साथ में, आखिर ब्लेम गेम, इसके लिए आपको एक समझ सकते हैं, हम दो दिन पहले बात भी कर रहा था इस वीडियो में, कि विरल आचार्य साहब ने स्टेटमेंट दिया कि केंद्र सरकार हमें अधिकार नहीं दे रही है निपटने के लिए पीसीबी से, तो वायरल आचार्य का स्टेटमेंट आया, वायरल आचार्य डिप्टी गवर्नर आरबीआई के, और वो ऑफकोर्स गवर्नर की मंशा के बिना ही काम नहीं कर सकते थे, तो गवर्नर के एक प्रकार से या डिप्टी गवर्नर कह रहे हैं जो, वो गवर्नर की इच्छा थी ऐसा करने की। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पर गवर्नर, डिप्टी गवर्नर एक तरफ साथ खड़े हैं और सरकार के खिलाफ बैक टू बैक स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। उर्जित पटेल ने मार्च में कहा था, इस हफ्ते विरल आचार्य ने कहा, और भी खुल के बात सामने आ गई है कि आरबीआई नाराज है सरकार से। तो यहां पर वक्तव्यों का दौर शुरू हुआ, पहला वक्तव्य वायरल आचार्य की तरफ से आया, उन्होंने कहा कि सरकार, जो सरकार नियामक को हराती है, नियामक को कमज़ोर करती है, वो सरकारें सत्ता में नहीं रहती, लंबे समय तक नहीं रह पाती हैं, उन्हें निवेशकों की नाराज़गी झेलनी पड़ती है। तो यहाँ पर आरबीआई ने स्पष्ट कर दिया सरकार को, जनाब आपको रहना है तो नियामक को स्वायत्ता देनी पड़ेगी। इसके बाद जेटली साहब कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एक मीटिंग में बोल रहे थे, उनका स्टेटमेंट आप सुनाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर उनका स्टेटमेंट जो कह रहे थे, और सरकार ने आरबीआई पर आरोप लगाया कि आपकी वजह जनाब एनपीए बढ़ा है। After the global economic crisis,
टू कीप द इकोनॉमी आर्टिफिशियली गोइंग बैंक्स वर टोल्ड ओपन योर डोर्स एंड लेंड इनडिस्क्रिमिनेटली द सेंट्रल बैंक लुक द अदर वे देयर वाज इनडिस्क्रिमिनेट लेंडिंग गवर्नमेंट वाज पुशिंग इट वाज ऑलमोस्ट द फोन्स यूज्ड टू गो एंड दे यूज्ड टू लेंड एंड देयर वर इयर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड वेयर द नॉर्मल बैंक क्रेडिट ग्रोथ शुड बी अबाउट 14% एनुअली सीइंग इंडियाज ग्रोथ रेट So you had a 31% credit growth in a year, 29 in another year. The government looked the other way, the banks looked the other way. I don't know what the central bank was doing, which was a regulator of these. तो आपने सुना यहाँ पर जेटली साहब का कहना क्लियर था कि जनाब गलती यहाँ पर आरबीआई की है, एनपीए बढ़ने का बड़ा कारण आरबीआई है, यूपीए सरकार के साथ लपेट में उन्होंने ले लिया आरबीआई को भी, तो एक प्रकार से दोनों संस्थाएं एक दूसरे के खिलाफ खुल के खड़ी हो गई हैं, बयानबाजी कर रही हैं जो देश के हित के लिए कम से कम अच्छा नहीं है। अगला पार्ट जो है, चौथा पॉइंट हमारे पास जो है, आखिर यूपीएससी मेरे और आपके काम का, यूपीएससी हमारे काम की इस लड़ाई में क्या है। अगर आप याद करें, मैं आपको ले चलता हूँ 2 साल पहले, यूपीएससी ने 2015 में एक प्रश्न दिया था। प्रश्न था आपके सामने स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं, वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सुनिश्चित करना आवश्यक है कि विनियामक संस्थाएं स्वतंत्र और स्वायत्त बनी रहें। पिछले कुछ समय हुए अनुभवों के प्रकाश पर चर्चा कीजिए। फॉर अचीविंग द डिजायर्ड ऑब्जेक्ट इट नेसेसरी टू इंश्योर द रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन रिमेन इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनॉमस डिस्कस द लाइट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ रिसेंट पास्ट। 2015 का पेपर था, 2015 का क्वेश्चन था, समझ सकते हैं आप, सीधी मांग है नियामक की स्वायत्तता पर। तो यूपीएससी पेपर 2 पेपर 3 में सवाल बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा, विवाद आगे बढ़ेगा ये और आपके लिए सवाल तैयार हो सकता है। लास्ट एस्पेक्ट है मेरे और आपके लिए, समाधान कोई है तो क्या आप मानते हैं समाधान है इस समस्या? कोई बहुत मुश्किल होगा समाधान निकाल पाना, क्योंकि चुनावी साल है, समाधान निकलने वाला नहीं है, तनातनी बढ़ती जाएगी और पहला इतिहास रहा हमारे यहाँ पर बना समस्या। आप समाधान आप निष्कर्ष में कोई लिखना चाहें तो इतना ज़रूर बोल सकते हैं कि बेहतर होगा सरकार और नियामक के लिए कि जो विवाद हैं उनको आप घर बैठ के सुलझाइए, बंद दरवाजे में सुलझाइए। पब्लिक डोमेन में भी विवाद आएंगे, मुश्किलें बढ़ेंगी, संस्था की क्रेडिबिलिटी खत्म होगी और सरकार के लॉन्ग टर्म में काम कर पाना संस्था के साथ मुश्किल होता जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस बार सीबीआई गवाह सामने आया है, अभी आरबीआई गवाह सामने आ रहा है, तो विपक्ष को मौका मिलता है सरकार पर आरोप लगाने का कि सरकार संस्थाएं कमजोर कर रही हैं, देश की संस्थाएं कमजोर हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को बचना चाहिए इस प्रकार के वादों से और आरबीआई को भी अपनी हदों में अपने नियमन में रहना चाहिए। सरकार पे आप बात करनी है तो बात की सरकार जाकर, मीटिंग होती है सरकार के संग आपकी रेगुलर बेसिस पर, वहां कहिए बातों को, पब्लिक डोमेन में इस कहने से बचना चाहिए।